वो हिजाब का प्रोटेस्ट कर्नाटक से शुरुआत होते होते महाराष्ट्र में भी होने लगे और आपने देखा होगा नांदेड़ अमरावती कई कई जगह पे वो ऐसा एक प्रोटेस्ट मीरा भाइंदर में भी हो रहा था जिसकी जानकारी मुझे जी न्यूज से मिली एक हक नाम का संस्था है जो कि एक वामपंथी सादिक भाषा करके एक व्यक्ति वो चलाता है उसने लिखा कि हम ये हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे और उसने हैशटैग चलाया है से नो टू हिंदू राष्ट्र जैसे मुझे यह जानकारी मिली मैंने तुरंत कमिश्नर हमारे जो उधर के कमिश्नर है मीरा महिंदर उनको व्हाट्सएप में एक शिकायत भेज दी और मैंने पूरा उनको लीगल पोजीशन बता दिया कि कर्नाटका उच्च न्यायालय ने जो ये मसला सुन रहे हैं वो इस मसला है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं हो सकता लेकिन इसका एक प्रचार इस तरह से एक नैरेटिव ऐसा बिल्डअप किया जा रहा है मुस्लिम समाज में कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हिजाब को बैन किया जा रहा है जबकि वैसा नहीं है तो जैसे मैंने ये लिखा और इसको मैंने सर्कुलेट करना चालू किया पुलिस ने जो प्र, वो जो प्रदर्शन करने वाले थे हिजाब के समर्थन में पुलिस ने उनकी परमिशन रद्द कर दी लेकिन ये तो मुसलमान है ये रुकेंगे नहीं तो इन्होंने फिर भी प्रदर्शन करने के इनके जारी थे फेसबुक पे कर रहे थे तब मैंने एक पोस्ट डाला मैंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी यदि कोई हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करेगा तो हिंदू टास्क फोर्स उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेगा यह फोर्स डालने के बाद पुलिस ने मुझे 149 का नोटिस देने आगे मैंने कहा आप तो जो शिकायत कानून प्रक्रिया अपनाने जा रहे हो उसको आप नोटिस दे रहे हो तो बोले सर ये तो फॉर्मेलिटी है तो मैंने क्या किया उस 149 नोटिस को पहले तो रिसीव किया और उसमें लिखा विदाउट प्रिजिडाइज टू माई राइट टू चैलेंज दिस नोटिस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट आई एम रिसीविंग इट उनके पसीने दूजने लग गए मैंने हाईकोर्ट में पिटिशन दाखिल की पुलिस और घबरा गई अब बोलते हैं, हमको रात को नींद नहीं आती ऐसा माहौल हो चुका है जय तू जय तू हिंदू राष्ट्रम जय जय तू तू हिंदू राष्ट्रम